Hello friends, in this video I am going to teach you about rules of radicals. Rules of radicals को rules of indices से भी समझेंगे जो कि हमने पिछले वीडियो में देखे थे rule of indices. आप देखेंगे यहाँ पर मैंने एक example लिया है mth root of a. a का यहाँ order है m और उसके ऊपर एक और radical sign है जिसका order है n. यदि इस प्रकार से order के ऊपर order है जैसा indices में power के ऊपर power होता था तो दोनों का multiply होता था वैसे रेडिकल्स में थर्ड में इरेशनल नंबर में ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर है तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई होगा. आप यहाँ देख रहे हैं ये रेडिकल ए जैसा का वैसा है थर्ड का साइन दो के बदले एक ही हो गया और दोनों ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई हो गया. यहाँ पर आप एग्जांपल देखेंगे फोर्थ रूट ऑफ फाइव और उसका भी यहाँ पे थर्ड रूट है दो साइन एक के ऊपर एक है तो ये दोनों ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा फोर इंटू थ्री और यहाँ पे फाइव आ गया तो दिस इज ट्वेल्थ रूट ऑफ फाइव. इसी को अब मैं इंडाइसेस के रूल से हेल्प से एक्सप्लेन करता हूँ. इंडाइसेस के रूल आपको कैसे काम देंगे आप देखेंगे. इंडाइसेस का हमने रूल देखा था ए के पावर में एम उसके पावर में एन रहा तो पावर का आपस में मल्टीप्लाई होता है. अब इसी एग्जांपल को मैं इंडाइसेस से सॉल्व करता हूँ फोर्थ रूट ऑफ फाइव और उसका थर्ड रूट. आप जानते हैं अभी मैंने पिछले वीडियो में बताया फोर्थ रूट ऑफ फाइव को आप लिख सकते हैं फाइव के पावर में वन बाय फोर. ऑर्डर एन है तो आप वन ले जाते हैं a to the power यहाँ n th root of a होता है तो a to the power 1 by n होता है. वैसे ही fourth root of 5 है तो 5 के power में 1 by 4 और उसके ऊपर में यहाँ order 3 है तो ये बनकर गया 1 by 3. अब देखेंगे आप indices के rule के हिसाब से power के ऊपर power है तो इन दोनों का आपस में multiply 1 by 4 into 1 by 3 answer आया 1 by 12 और 1 by 12 का मतलब होता है 5 के power में 1 by 12 का मतलब होता है 12th root of 5. यहाँ पे भी 12th root of 5 आया यहाँ पे भी 12th root of 5 आया. ये हमने सॉल्व किया था रेडिकल के रूल से ये हमने सॉल्व किया इंडाइसेस के रूल से. दोनों रूल एक ही प्रकार से सॉल्व होते हैं इसलिए मैंने आपको यहाँ पर रूल ऑफ इंडाइसेस भी समझाया है पिछले वीडियो में और यहाँ मैं आपको रूल ऑफ रेडिकल एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो इस रूल को आप ध्यान रखेंगे ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर है तो दोनों ऑर्डर का आपस में मल्टीप्लाई होगा ये एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर भी है. अभी हम सेकंड रूल देख रहे हैं देखेंगे आप यहाँ nth root of a. a radical sign में है जिसका order है n और उसका power भी है n. यदि order और power same है दोनों जगह n है order और power same है तो आप देखेंगे ये दोनों equal cancel हो जाते हैं ऐसा हम समझते हैं दोनों cancel हो गए और बाहर आया a. एक example मैंने दिया है cube root of 7 इसका cube तो ये 3 और 3 order और power same है तो cancel हो जाते हैं बाहर आता है 7. इसको मैं रूल ऑफ इंडाइसेस की मदद से एक्सप्लेन कर रहा हूँ वही वाला रूल लगने वाला है a टू दी पावर n इनटू a टू दी पावर n यानी पावर पे पावर है तो मल्टीप्लाई होगा. जैसे आप देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 7 के पावर में 3 तो क्यूब रूट ऑफ 7 मींस 7 टू दी पावर 1 बाय 3 और उसका भी क्यूब ये 3 है क्योंकि ये क्यूब से आया क्यूब रूट से जो आता है वो 1 बाय 3 होता है क्यूब का ये 3 का 3 ही रहेगा. तो अब आप देखेंगे यहां कि पावर के ऊपर पावर है दोनों का मल्टीप्लाई 7 के पावर में 1 बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 तो 1 बाय 3 और 3 3 में साथ 3 को 3 बाय 1 भी बोल सकते हैं तो ये दोनों कैंसिल 7 के पावर में 1 7 के पावर में 1 यानी 7 7 के पावर में 0 यानी 1 होता है 7 के पावर में 1 यानी 7 किसी भी नंबर के पावर में 1 रहा तो नंबर जैसा का वैसा रहता है. तो आप ध्यान देंगे सेकंड रूल है कि किसी भी थर्ड में किसी भी रैशनल नंबर में ऑर्डर और पावर सेम है तो वो दोनों कैंसिल हो जाते हैं नंबर जैसा का वैसा बाहर आता है. रूल्स ऑफ रेडिकल नंबर थर्ड nth रूट ऑफ a इनटू nth रूट ऑफ b. आप यहां ध्यान दे रहे हैं रेडिकल अलग अलग और दोनों का ऑर्डर सेम है जैसा हमने देखा था रूल ऑफ इंडाइसेस में भी यदि बीच में मल्टीप्लाई का साइन है और बेस अलग अलग है ऑर्डर सेम होता था पावर सेम होता था तो हम दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे वैसा ही यहाँ होगा दोनों का ऑर्डर सेम है रेडिकल अलग अलग है तो आप ऑर्डर जैसा का वैसा लिखेंगे और इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई nth रूट ऑफ a इनटू b. एग्जांपल फिफ्थ रूट ऑफ 7 इनटू फिफ्थ रूट ऑफ 3 दोनों जगह आप देख रहे हैं रेडिकल अलग अलग है लेकिन ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर जैसा का वैसा और दोनों रेडिकल का आपस में मल्टीप्लाई फिफ्थ रूट ऑफ 7 इनटू 3 दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 21. यहाँ पर इसी को मैं रूल ऑफ इंडाइसेस से भी सॉल्व कर दे रहा हूँ. रूल ऑफ इंडाइसेस से जब हमने देखा था एक रूल a टू दी पावर m इनटू b टू दी पावर m जब होता है तो a इनटू b के पावर में m आता है तो इसी को मैं रूल ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व कर रहा हूँ फिफ्थ रूट ऑफ 7 इनटू फिफ्थ रूट ऑफ 3
फिफ्थ रूट ऑफ 7 मींस 7 के पावर में बनता है 5, फिफ्थ रूट ऑफ 3 मींस 3 के पावर में बनता है 5। यहां देख रहे हैं दोनों का पावर सेम है, बेस अलग-अलग है, तो इस रूल के हिसाब से दोनों बेस का आपस में मल्टीप्लाई होगा और पावर सेम मिलेगा दोनों को। 7 * 3 के पावर में बनता है 5, तो 21 के पावर में बनता है 5 और पावर बनता है 5 मींस फिफ्थ रूट ऑफ 21, आंसर सेम है। अभी हम सॉल्व रूल ऑफ रेडिकल से ही करेंगे, बस मैं दोनों का आपको दोनों का रिलेशन बता रहा हूं आपस में, आप कंफ्यूज मत होइए। आपको केवल रूल्स ऑफ रेडिकल ध्यान में रखने हैं, जो इसके बाद में एक बार फिर से आपको चारों रूल एक बार फिर से लिखकर बताऊंगा। ओनली रूल ऑफ रेडिकल्स, फोर्थ रूल nth रूट ऑफ a nth रूट ऑफ b दोनों के बीच में डिवाइड का साइन है, तो वही दोनों का ऑर्डर सेम है तो ऑर्डर एक बार आएगा, दोनों आपस में डिवाइड होंगे। एग्जांपल थर्ड रूट ऑफ 7 थर्ड सॉरी क्यूब रूट ऑफ 7 क्यूब रूट ऑफ 5 तो क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय 5। इसी को मैंने रूल ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व किया है। रूल ऑफ इंडाइसेस हमारा है दोनों के बेस अलग-अलग हैं और दोनों का पावर सेम है तो दोनों आपस में डिवाइड में रहते हैं, पावर जैसा का वैसा आता है। जैसे क्यूब रूट ऑफ 7 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 5, क्यूब रूट ऑफ 7 मींस 7 के पावर में 1/3, क्यूब रूट ऑफ 5 मींस 5 के पावर में 1/3। यहां सॉल्व करते समय मैं उसे इंडाइसेस में कन्वर्ट करके रूल ऑफ इंडाइसेस से सॉल्व कर रहा हूं, डायरेक्टली रेडिकल के रूल से सॉल्व नहीं कर रहा। तो यहां आप देख रहे हैं पावर सेम है तो पावर बाहर आ गया और दोनों आपस में डिवाइड, और 7/5 के पावर में 1/3 मींस क्यूब रूट ऑफ 7/5। इस प्रकार से मैंने फोर रूल्स आपको एक्सप्लेन किए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको पूरे फोर रूल्स केवल रेडिकल के फोर रूल्स अलग से लिखकर बता रहा हूं। रूल्स ऑफ रेडिकल हम एक बार फिर से देखेंगे। फर्स्ट रूल mth रूट ऑफ a, उसके ऊपर फिर से एक और ऑर्डर है n, ऑर्डर के ऊपर ऑर्डर, तो दोनों ऑर्डर का आपस में क्या होता है मल्टीप्लाई। यहां पे आप एग्जांपल से देखेंगे सेकंड रूट ऑफ 9 और उसके ऊपर फिफ्थ रूट, तो यहां पे आप देखेंगे ये दोनों का आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। 9 रूट में आया 5 * 2 दैट इज 10th रूट ऑफ 9। रूल नंबर 2, यदि ऑर्डर और पावर सेम है तो ऑर्डर और पावर आपस में कैंसिल होते हैं, nth रूट ऑफ a है उसके पावर में n है, दोनों कैंसिल होकर a आया। जैसे आप यहां देख रहे हैं क्यूब रूट ऑफ 5 और उसका क्यूब, क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल, आंसर आया आपका 5। थर्ड रूल nth रूट ऑफ a * nth रूट ऑफ b, आप देख रहे हैं ऑर्डर सेम है अंदर के रेडिकंड अलग अलग है, तो यहाँ पे क्या होता है ऑर्डर जैसा का वैसा रहता है, रेडिकंड का आपस में मल्टीप्लाई। फिफ्थ रूट ऑफ 9 * फिफ्थ रूट ऑफ 7, फिफ्थ रूट ऑफ 9 * 7 दैट इज फिफ्थ रूट ऑफ 63, और जैसा मल्टीप्लाई में वैसा ही डिवाइड में, ऑर्डर सेम है रेडिकंड अलग अलग है, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b तो nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय b। एग्जांपल क्यूब रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट ऑफ 7 दैट इज क्यूब रूट ऑफ 5 * 7। यहाँ पर इतने जितने भी वीडियो में हमने जो कुछ देखा है, जो जो आपको नोट करना है, मैं सबकी पिक्चर्स आपको भेजूंगा, पिक्चर से आप नोट करेंगे, वीडियो से आप समझेंगे। वीडियो से जो नोट करना होगा नीचे मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, लेकिन जो नोट करना है उसके मैं पिक्चर्स आपको क्लियरली भेजूंगा।